चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? क सूती मार्ग, ख रेशम मार्ग, ग उत्तरा पथ, घ दक्षिण पथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? ऑप्शन क अलेक्जेंड्रिया, ख दिलमुन, ग मैनचेस्टर, घ बरीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन क वाणिज्यिक क्रांति, ख औद्योगिक क्रांति, ग साम्यवादी क्रांति, घ भौगोलिक खोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? क पूर्वी क्षेत्र, ख पश्चिमी क्षेत्र, ग उत्तरी क्षेत्र, घ दक्षिणी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन क 15वीं शताब्दी, ख 18वीं शताब्दी, ग 19वीं शताब्दी, घ 20वीं शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन क 1914 ईस्वी में, ख 1922 ईस्वी में, ग 1929 ईस्वी में, घ 1927 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन क साम्यवादी शासन प्रणाली, ख लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ग फासीवादी नाजीवादी शासन, घ पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन क 1945 ईस्वी में, ख 1947 ईस्वी में, ग 1944 ईस्वी में, घ 1952 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? क 1990 ईस्वी के दशक में, ख 1970 ईस्वी के दशक में, ग 1960 ईस्वी के दशक में, घ 1980 ईस्वी के दशक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1990 ईस्वी के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन से संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन से संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन क सार्क, ख नाटो, ग ओपेक, घ यूरोपीय संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन क सम्राट सिकंदर, ख मोहम्मद गौरी, ग चंद्रगुप्त मौर्य, घ सम्राट घनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सम्राट सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1942 में, ख 1944 में, ग 1945 में, घ 1950 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क वाशिंगटन डीसी यूएसए,
ख स्विट्जरलैंड, ग न्यूयॉर्क, घ वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क वाशिंगटन डीसी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ? ऑप्शन क जनवरी 1990 में, ख जनवरी 1995 में, ग जनवरी 1991 में, घ जनवरी 1994 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन क सोवियत संघ रूस, ख ब्रिटेन, ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, घ यूरोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोजान समझौता कब हुआ? लोजान समझौता कब हुआ? ऑप्शन क 1928 में, ख 1929 में, ग 1930 में, घ 1932 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1942 में, ख 1944 में, ग 1945 में, घ 1950 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? ऑप्शन क जॉन विलियमसन, ख रूजवेल्ट, ग सम्राट सिकंदर, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जॉन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओटावा समझौता कब हुआ? ओटावा समझौता कब हुआ? ऑप्शन क 1928 में, ख 1929 में, ग 1930 में, घ 1932 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1958 में, ख 1959 में, ग 1957 में, घ 1952 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1957 में।